गुड इवनिंग इंडिया का ये अंक है संगीत का उत्सव, और इस संगीत के उत्सव में अब हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं अपने दूसरे मेहमान रवि शंकर मिश्र जी का, जो एक उभरते भोजपुरी गायक एवं भजन गायक हैं। रवि शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुड इवनिंग इंडिया में। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि इस संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सफ़र जो है वो मेरा, मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ और एक छोटे से गांव गदरपुर है, एक शहर गदरपुर और वहाँ पे आर्य नगर गाँव है, वहाँ का हूँ। और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने जाता था, तो वहाँ से मुझे याद है कि वहाँ से मेरा गाने का सफ़र चालू हुआ। तो जैसे वहाँ पे गया, फिर जो भी गाना था वहाँ से शुरू किया। और बचपन में वो चौकियाँ होती है गाँव में ना, बड़ी बड़ी लकड़ियों की, उसको बजा के मैं गाया करता था। अच्छा, तो फिर वहाँ से जब सरस्वती शिशु मंदिर में गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ से फिर गाने को मिला मुझे, और कई जगह मुझे गाने के लिए, फिर धीरे 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 ऐसे करते करते कई लेवलों में मैंने गाया, कई जगह उन्होंने गवाया, हर जगह मतलब बोल रहा था। उसके साथ साथ फिर वहाँ पे जितने भी नाटक वाटक होते थे स्कूल में, उसमें भी मैं अपना वो करता रहता था। और बस इसी के साथ साथ ऐसे ही चलता रहा अपना गाने का कार्यक्रम। तो अगर मैं आपकी प्रेरणा स्रोतों की बात करूं, तो किन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मैं सही बताऊं तो किशोर दा को बहुत सुनता था बचपन से ही, मैं किशोर दा को सुनता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी क्या होता था कि जब भी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा आता था, तो मैं सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में पीछे हो रहता था और धीरे धीरे आगे जाता था, फिर थोड़ा सा और आगे जाता था। और जो ऑर्केस्ट्रा के जो मालिक होते थे, कहता एक गाना गाने दो ना मुझे, तो वो कहते थे ठीक है गा लो। तो ऐसी करके फिर गाता था और बहुत अच्छा लगता था, बहुत लोग मुझे करते थे। फिर हमारे रामलीला होती हैं वहाँ पे, तो रामलीलाओं में भी मैं जाके और उस समय गाया करता था, जो भी होते थे किशोरदा के अच्छे अच्छे गाने जो होते थे, तो लोग कहते थे यार तुम्हारी आवाज़ जो है किशोरदा से मिलती है। फिर मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो मैं फिर किशोरदा को फॉलो करने लगा, मैं किशोरदा के ही गाने बहुत ज़्यादा गाने लगा उनके। तो किशोरदा के गायकी के ऐसे कौन से अंग हैं जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाते हैं? बहुत अच्छा लगता है सादगी, हर तरह के वो गाने गाते हैं, कैसे भी उठा लो, किसी मूड का गाना उठा लो, वो हर तरह गाने गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है उनके, बहुत ज़्यादा, तो शुरू से उनके, और मैं मेलोडी सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा गाता हूँ, तो एक आदत सी पड़ गई है मुझे मेलोडी गाने की और सैड सॉन्ग गाने की। और यही बस ऐसे जो भी होता था, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे उनके जो है चिंगारी कोई भड़ के, तो धीरे धीरे फिर मेरी मदर भी जब मुझे सुनती थी तो वो कहती थी अरे बहुत अच्छा गाता है, तो क्यों नहीं आगे और वो करते हो, तो मैं फिर इस लाइन में धीरे धीरे अपने आप को डालने लगा। आपके गीतों में भी अगर हम देखें तो मेलेडी जो है इसका भाव जो है सबसे ज़्यादा प्रधान दिखता है। तो ऐसा क्या है किसी गीत में जो उसे मेलोडियस बनाता है? बड़ा टेक्निकल सवाल नहीं है ये, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे रिकॉर्ड करता हूँ गाने को सुनता हूँ, तो जो गाना गाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि गाना जो गा रहा हूँ वो मेरे ऊपर ही हो रहा है सारा कुछ। अगर वो जैसे किसी को फिल्माया जा रहा है, तो मैं उसको अपने ऊपर ले रहा हूँ, उसको मैं सोचता हूँ कि मेरी वो गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मेरे ऊपर ही ये सब चीज़ हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके फिर उसमें और मेलोडी डाल के उसको गाने की कोशिश करता हूँ। तब जाके भाव निकलता है अपनी, तो यही रहा है और रस भी तभी पैदा होता है उसके अंदर। अच्छा, आप भोजपुरी गीत गाते हैं और भोजपुरी फिल्मों में भी गाया है, आपने एल्बम्स में भी गाया है, आपके खुद के एल्बम्स भी हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भोजपुरी गानों को कहीं ना कहीं थोड़ा वल्गैरिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, पर आपके गाने बिल्कुल उनसे अलग होते हैं। तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं जब आप किसी भी भोजपुरी एल्बम को निकालते हैं? देखिए, मैं जब वो देखता था उन लोगों का, कई भोजपुरी गाने ऐसे देखता हूँ कि बहुत ही गंदे होते हैं, लिरिक्स भी गंदे होते हैं उनके, फिर वो सूट भी उनके गंदे होते हैं, और हम लोग अपने ही घर में अपने मम्मी पापा के साथ हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। और मुझे गाने का ज़्यादा वो था, तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं इसमें अच्छा करूँ, कुछ अच्छा गाने की कोशिश करूँ। तो फिर मैं खुद लिखता भी हूँ मैं और धुन भी कंपोज करता हूँ, तो मैंने कहा कि हम ऐसा गाना गाएंगे जो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देखेंगे, अपने भाई बहनों के साथ बैठेंगे, जब उनके साथ मैं देख सकता हूँ, गा सकता हूँ, तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है। तो ये सोच के फिर मैं भोजपुरी में, और एक मैंने ये कहा कि भोजपुरी में हम ये बलगलता हटाएंगे, तो कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, बहुत लोग जो ये सोचते हैं कि भोजपुरी से इसको हटाया जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत भाषा है भोजपुरी। बिल्कुल, बहुत मीठी भाषा है। बहुत ही मीठी भाषा है, रस से परिपूर्ण, लेकिन दुर्गति हो रही है गानों में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम लिया आपने कि आपने
इसके विरुद्ध चलकर आपने इस तरह के एल्बम्स बनाए। कुछ गीत सुन सकते हैं आप, कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर गुनगुना सके। मेरा जो पहला एल्बम था जो सैया बेईमान था, उसको उन्होंने, उसमें मेरा एक गाना है बहुत ही अच्छा, उसको मैंने खुद ही लिखा और उसका धुन भी बनवाया। ए लाली बोला ना काहे हमके सतावेलु, अखिया मार के गोरी हो काहे हमके सतावेलु, सीला मुन्नी चिकनी चमेली, सीला मुन्नी चिकनी चमेली, बन के तू तड़ पावेलु, ए लाली बोला ना काहे हमके सतावेलु, अखिया मार के गोरी हो काहे हमके मुआवेलु, सारा जमाना बाटे तोहरे दीवाना, तोहरा के देखे देखे लोगे गावे गाना, सारा जमाना बाटे तोहरे दीवाना, तोहरा के देखी देखी लोगे गावे गाना, अरे सीला मुन्नी बन के तू काहे तू तड़ पावेलु, ए लाली बोलना काहे हमके मुआवेलु, अखिया मार के गोरी हो काहे तू तड़ पावेलु। बहुत खूब। अपने परिवार से शायद आप पहले हैं जिन्होंने गायकी और संगीत के क्षेत्र में कदम रखा, तो कैसा था परिवार का सपोर्ट जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस फील्ड में भी आगे चलना है? हमारे यहाँ तो देखा जाए तो गाना किसी को, मेरे दादाजी कहते थे सब नचनिया बजनी वाला काम, ये शुरू से पहले से, लेकिन मेरा हमेशा रुझान इसकी तरफ रहा है। और फादर मेरे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो डॉक्टर तो नहीं बन सका, लैब टेक्नीशियन बन गया। अब मम्मी मेरी चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, तो उसको देखते हुए फिर मैंने दोनों लोगों का पूरा किया। फादर के लिए मैं लैब टेक्नीशियन बन गया और अपने लिए मैं, मम्मी के लिए मैं सिंगर बनने की कोशिश कर गया। तो उसके साथ साथ फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि जब गा ही रहे हैं तो शिक्षा भी लेने, तो फिर क्लासिकल का भी थोड़ा मैं उसमें शिक्षा लेने लगा। तो कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों फील्ड्स को, एक तरफ एक लैब टेक्नीशियन की जिंदगी जीना, दूसरी तरफ एक संगीतकार एक गायक की जिंदगी जीना, दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है अगर देखा जाए तो, कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों को? बैलेंस इस तरह करते हैं जैसे सैटरडे और संडे, सैटरडे हाफ मिलता है वो पूरा और संडे वो मेरा जो होता है वो सीधा म्यूजिक के लिए होता है, और शाम को 5 बजे घर जाने के बाद उसके बाद सिर्फ मेरा म्यूजिक के लिए होता है। बहुत कूल। और सैटरडे संडे में जाता हूँ तो मेरी वाइफ थोड़ा वो करती हैं कि जब देखो तब, मतलब हर डे तो आप हॉस्पिटल में रहते हो तो फिर अब भी उसी में, तो लेकिन मैं उन सब चीज़ बातों को इग्नोर करता रहता हूँ। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि बस मेरा म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। पर खुश तो वो भी बहुत होती होंगी जब आपके एल्बम्स देखती होंगी, आपके गानों को सुनती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भजन भी गाते हैं? जी हाँ। तो भजन में जब आप कंपोज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, टेक्निकली भी और आपके जिन रागों का या जिन धुनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें? शब्द बहुत वो होते हैं। अब जैसे कि भजन में गाया, लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा भजन भी गाओ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी जो है, हमारे यहाँ मंदिर है घर पर, तो सुबह शाम मंदिर में पोछा मारती हैं, अगरबत्ती दिखाती हैं, रोज़ का काम है डेली सुबह शाम का, और माँ का आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। तो मैंने कहा क्यों ना हम माता के ऊपर एक भजन लिखा जाए और माँ को देखते हुए। तो अशोक द्विवेदी जी हैं जो मेरे राइटर हैं, तो उनसे मैं बोला कि ऐसे ऐसे भजन लिखा जाए, तो उन्होंने एक भजन लिखा, उसका धुन मैंने दिया और म्यूजिक दिवेश भारद्वाज जी ने उसको दिया, तो बहुत ही अच्छा भजन लिखा उन्होंने। मैं कही तो बिल्कुल। एक बात समझ में आती है दुनिया तेरे गुण क्यों गाती है, एक बात समझ में आती है दुनिया तेरे गुण क्यों गाती है, क्यों मंदिर तेरे जाती, क्यों दर तेरे शीश झुकाती, क्यों लाल चुनरिया चढ़ाती है, बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है दुनिया तेरे गुण क्यों गाती है, क्यों झाल करताल बजाए, क्यों घंटों कीर्तन गाए,
क्यों माँ का ध्यान लगाती है, बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है, दुनिया तेरे गुण क्यों गाती है, एक बात समझ में आती है, दुनिया तेरे गुण क्यों गाती है। बहुत सुंदर। रविशंकर जी, फिलहाल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मेरा अभी लेटेस्ट अभी एक नया एल्बम आया ललिता मूवी कंपनी की तरफ से, उन्होंने प्रेजेंट किया है और बहुत ही अच्छे सॉन्ग हैं उसके, मेलोडी और रोमांटिक सॉन्ग हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसको अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं उसको, कोई वलगल गाना नहीं है और बहुत ही अच्छा पूरा मतलब मेलोडियों से भरपूर है। रिलीज हो चुका है एल्बम? हाँ जी, वो आ चुकी है, और उसमें एक सॉन्ग है बहुत अच्छा, आपको देख के मैं उसको कहियो तो गा दूँ। बिल्कुल। उसमें मेरे साथ दिया है खुशबू तिवारी जी ने, और गाना है तोहरी नैनन से, तोहरी नैनन से चलन ऐसंती, हमरी छतिया के पार हो गई, तोहरी नैनन से चलन ऐसंती, हमरी छतिया से पार हो गई, सुन के बतिया सजन तोहरी, ये जिंदगी तोहार हो गई, सुन के बतिया सजन तोहरी, ये जिंदगी तोहार हो गई, सोना का चांदी का हीरा का मोती, चांद और सूरज का और मोती, बाकी दौलत के बात का कहीं, बाकी दौलत के बात का कहीं, ये जिंदगी तोहार हो गई, ये जिंदगी तोहार हो गई, हाँ तोहरे से प्यार हो गई, हाँ तोहरे से प्यार हो गई। बहुत खूबसूरत। आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहेंगे? भोजपुरी और भजन इन्हीं दो जॉनर्स को फॉलो करेंगे या और भी जॉनर्स में आपका नहीं, विचार है? आगे हिंदी पे काम करना चाहता हूँ मैं। हिंदी में भी चाहता हूँ कि अच्छे मेलोडियस सॉन्ग दो, और अगर आगे अच्छा और मुझे कहीं स्टेज मिलता है या कहीं मिलता है तो मैं आगे और अच्छा बढ़ना चाहूँगा, अच्छे और सॉन्ग करना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मेरा ज़्यादातर वो है कि भोजपुरी में मैं और अच्छा लोगों को दे सकूं, सॉन्ग जो भी हैं, जो गीत है वो अच्छे अच्छे दे सकूं लोगों को। तो कुछ और आपसे सुन सकते हैं, आपका कोई पसंदीदा गीत? हाँ बिल्कुल, अभी मेरा एक सॉन्ग है इसी का, ललिता मूवी का, उसमें मैंने गाया है एक दर्द भरा गीत, का बताई हाय कैसे जी रहले बानी हम, पी रहले बानी आंसू कैसे भूली गम, का बताई हाय कैसे जी रहले बानी हम, पत्थर दिल दुनिया से हमका बस केवल ही गम मिलल, भर गईल काटा दामन में अब खुशियाँ हमका कम मिलल, पत्थर दिल दुनिया से हमका बस केवल ही गम मिलल, भर गईल दामन में काटा बस खुशियाँ हमका कम मिलल, बासी तम्बुआ के लेकिन करो पे बाकरम, का बताई हाय कैसे जी रहले बानी हम, हाँ का बताई हाय कैसे जी रहले बानी हम। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अगर हम आपके पसंदीदा गीतों की बात करें, आपने कहा कि किशोर कुमार आपको बहुत पसंद है, तो बॉलीवुड में ऐसे और कौन से गायक हैं या ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो आपको बेहद लुभाते हैं? गायक कुमार सानू जी, जिनके मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग गाता हूँ, आज भी शो करता हूँ तो सबसे पहले मैं सानू जी को जरूर गाता हूँ और उसके बाद किशोर जी को गाता हूँ, तो सानू जी की भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनके ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके पास ज़्यादातर सानू जी से टच करती है। तो मैं सानू जी के भी ज़्यादा। तो जब लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको, कोई ऐसा खास कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि ये तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा?
हाँ, कई बार मैं प्रोग्राम करता हूँ, जैसे कि और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी आपके उज्ज्वला गैस के प्रोग्राम में गया था, तो उसमें एक सॉन्ग आ रहा था किशोर दा जी का, कुछ तो लोग कहेंगे, और उसके बाद मैंने गाया वो शाम कुछ अजीब थी। तो एक भाई साहब आए और उन्होंने मुझे रोका, और उन्होंने कहा, मैं ट्रैक पे गा रहा था, तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, एक मिनट रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रैक चल रहा है, मतलब ऑडी चल रहा है कि आप गा रहे आप गा हैं। रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि अरे मतलब मैं अच्छा गा रहा हूँ, इसका मतलब लग रहा है। तो ऐसे से कभी कभी होता है, तो दिल को फिर उससे और प्रेरणा मिलती है कि हमें और आगे अच्छा करना चाहिए, और आगे अच्छा गाना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? मुझे म्यूजिक में ही अपनी लाइफ बनानी है, और साथ साथ में अपना लैब टेक्नीशियन भी देखना है, वो भी, तो दोनों को मुझे लेके चलना है अपने साथ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको नेम और फेम दोनों मिले। आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।